हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, मैं हूँ सरिता। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, आम पन्ना बनाने की रेसिपी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सामने मैंने ये आम ले लिए हैं और इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बॉईल कर लेंगे, इसको उबाल लेते हैं। एक सीटी बजा के हमको इन आम को उबाल लेना है। तो चलिए, मैंने इसके सारे आम मैंने उबाल लिए हैं। और आम को हमें छिलका लगा कर ही उबालना है, क्योंकि आम में सबसे ज़्यादा जो पौष्टिक तत्व जो होता है वो छिलकों में ही होता है। तो छिलका निकाल के यदि हम बनाएंगे आम पन्ना, तो ये उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आम पन्ना जब भी बनाएं तो छिलका लगा करके ही आम को उबालें। अब मैंने ये सारे आम उबाल लिए हैं, ये थोड़े थोड़े फट गए हैं, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि हमको इसका सारा पल्प ही निकालना है और छिलके को रिमूव कर देना है। तो अब इसका सारा पल्प निकाल लिया है, ये देखिए मैंने पल्प निकाल लिया सारा, इसको मैंने एक बाउल में रख दिया है। अब इसका हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी में डाल दिया है, अब मिक्सी में डाल के इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए हमने मिक्सी में पीस लिया है इसको और इसका एक पेस्ट बना लिया है। और सचमुच में, और ये जो उसका पानी है जिसमें हमने आम को बॉईल किया था, इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं बिल्कुल, इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमको ये आम का सारा पल्प जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, इसमें हमको डाल देना है, क्योंकि ये आम का पन्ना हमें पका के बनाना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये 10 दिन 15 दिन तक चलेगा आराम से, क्योंकि इसको हम पका के बनाएंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आम का पन्ना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप एक बार बना करके फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसको पीते रहिए। अब उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक और चीनी। चीनी मैंने एक कटोरी डाली है, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने ये जो पानी बचा हुआ आम का, जो बॉईल करके पानी रखा था हमने, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा अभी बहुत गाढ़ा हो गया था। देखिए अब इसको हम पकाएंगे, अभी हम इसको काफ़ी देर तक इसको हमको पकाना है। तो अभी थोड़ा सा पका लिया है, अब इसमें अभी मैंने डाल दिया है ये भुना हुआ जीरा। ये भुना हुआ जीरा डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और जब हम इसको पिएंगे तो मुंह में भी जो इसका जो ये जीरे के जो दाने आएंगे मुंह में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जीरा वैसे भी हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो देखिए अभी पक रहा है, और क्योंकि इसको हम पका के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, कम पकाएंगे इसको तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी मिंट, पुदीने की पत्ती को क्रश करके इसमें डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप। तो एक बार आप लोग इस तरह से आम पन्ना ज़रूर बना के रखिए, ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान है और इसमें फिर कोई झंझट नहीं है। जब आपका मन करे आप बाहर जाएँ, बाहर जाने से पहले एक गिलास लीजिए, उसमें 2 चम्मच आम पन्ना डालिए और घोल के पी जाइए, या फिर कहीं से बाहर से आप एकदम से आएँ तो आपको बनाने का झंझट ना रहे और आप तुरंत इसको बना के पी सके। अब देखिए उसके बाद मैंने उसको, आम पन्ना हमारा बन के रेडी हो चुका था, अब उसको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद एक कांच के बॉटल में या जार में हम इसको ऐसे रख देंगे। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आम पन्ना जब भी आप ट्रांसफ़र करें किसी बर्तन में, तो वो कांच का बॉटल ही हो, प्लास्टिक में आप ना रखें, प्लास्टिक को अवॉइड करें। यदि आपके पास कांच का नहीं है तो आप प्लास्टिक में रख सकते हैं, और लेकिन उसको जब भी आप फ्रिज में रखें उसको, तो बिल्कुल ठंडा करके रखें, गरम गरम बिल्कुल भी नहीं आपको रखना है। तो देखिए अब हमारा आम पन्ना बन के रेडी है, इसको मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अब इसको फिर रख देंगे फ्रिज में। अब जब आपको कभी आम पन्ना पीने का मन करे, या जब आप कभी आपको पीना है, तो बस एक बॉटल, एक गिलास निकालिए, ये देखिए गिलास लीजिए, इसमें पानी डालिए, 2 चम्मच ये आम पन्ना की इसमें डाल के आइस के साथ इसको आप पीने का इसका मजा लीजिए। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है ग्लास में, अब मैं पीने के लिए बना रही हूँ। तो इसमें अब मैं 2 चम्मच आम पन्ना डाल दूंगी। तो है ना बनाना बिल्कुल आसान और लॉन्ग लास्टिंग है ये, 10 दिन 15 दिन तक आप इसको स्टोर करके रखेंगे,
तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। चाहे तो अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहें तो आप इसको 1 महीने तक भी रख सकते हैं, इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं आती और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए अब इसमें हमने 2 चम्मच डाल दिए, अब इसको मिक्स करके बस अब इसको हम सीधे पी लेंगे, तो कोई भी झंझट नहीं। रोज़ रोज़ कई बार ऐसा होता है कि हम आलस कर जाते हैं, अब रोज़ कौन बनाए आम का पन्ना, रोज़ बनाओ और रोज़ पियो, तो उसमें कई बार हम लोगों को बनाने का मन नहीं भी करता है। और इस तरह से यदि आप बना के रख लेंगे तो आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी आप पीजिए, खुद पीजिए, किसी को पिलाइए, ग्लास में पानी लीजिए और 2 चम्मच डाल के घोलिए और पी जाइए। इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दी हैं क्योंकि ये आम पन्ना और ये सब जो होता है थोड़ा चिल्ड पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसमें आप आइस डाल के पीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस ग्लास को डेकोर करने की कोशिश की, सजाने की कोशिश की मिंट के पत्तों से, लेकिन ये बार बार गिर जा रहा था। कोई बात नहीं, मकसद हमारा आम पन्ना बनाना था जो बन गया। तो आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपने बनाई तो कैसी बनाई और आपको बनाने में कितना मज़ा आया। और हाँ, यदि आप लोगों के पास मेरी वीडियो के लिए कोई सुझाव, कोई सजेशन है, आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे अपने वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे कहाँ पर अपने वीडियो को और बेटर बनाना है, तो क्योंकि मेरा जो चैनल है आप लोग देखते हैं और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह के सुझाव आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मुझे आप लोगों के सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मुझे आप लोगों के सुझाव की ज़रूरत है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो लाइक सब शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वो छोटी सी घंटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको तो ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो देखिए ये कितना टेस्टी दिख रहा है, सचमुच में दिख भी रहा है टेस्टी, और मैंने जब पिया तो पी के मुझे इतना रिफ़्रेश फील हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो आपको जब आप बना के पियेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अभी आप फ़िलहाल देख लीजिए इसको और फिर बनाइए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो लेकर के फिर से मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।